अच्छा लास्ट टाइम हमारी ये क्लास हुई थी। लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़े थे? कंपोनेंट्स पढ़े थे। और कंपोनेंट्स का क्या काम था, हमने क्या बताया था? काम क्या था? बार बार यूज कर सकते हैं। हमारे पास कंपोनेंट्स क्यों होते हैं? रीयूजेबल कोड है। क्या है? रीयूजेबल कोड है। जिस तरीके से एक पानी की बोतल होती है, आप उसमें पानी भर भर के तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो गुम नहीं हो जाती, इस तरीके से ही आपका कंपोनेंट भी ऐसा ही है, आप उसको रीयूज कर सकते हैं। बात समझ आई? सिंपल। तो सिंपल फंक्शन है आपका, एक सिंपल फंक्शन है, लेकिन उसकी दो तीन खास बातें हैं। पहली खास बात ये थी कि इसका जो कैपिटल लेटर क्या है, इसका नाम है, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद वो फंक्शन हमेशा क्या करेगा? रिटर्न करेगा। ये दो बातें हैं। उसके बाद हमने JSX, अब ये सारी चीज क्या है, हमने समझा कि ये JSX है। ये JSX क्यों है? क्योंकि HTML भी इसी में है, JavaScript भी इसी में है, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? JSX। और JSX के कुछ रूल्स हैं जो कि हमने लास्ट टाइम देखे थे, कि कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो HTML में नॉर्मल होते थे लेकिन JSX में वो नहीं है। जैसे कि हमने कल पहला देखा था क्लास नेम। HTML में हम लिखते थे क्लास, JSX में हम क्या लिखेंगे? क्लास नेम। उसकी हमने वजह देखी थी कि क्लास, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक और कीवर्ड है जो कि क्लासेस है, ऊप का कॉन्सेप्ट है। तेज तो नहीं बोल रहा? सही है। अब कल हमारा जो काम हुआ था उसमें हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स बनाए, लेकिन उसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम दोबारा से ये काम दोबारा करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हाँ, ये लाजमी है, इसके बगैर आपका वो जो वर्चुअल डोम है वो बनेगा नहीं। रेंडर का जो मेथड है वो बेसिकली आपका डोम बनाता है। सही है। तो सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले हमें ये जो रिएक्ट डॉम इंपोर्ट किया हुआ है हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे रिएक्ट डॉम डॉट, इसका मेथड कौन सा है? क्रिएट क्रिएट रूट है, नोड है, तो क्रिएट रूट है। इसके अंदर हमें क्या देना है? और उस आईडी का नाम क्या है? मैं दोबारा बना रहा हूं। सही है। इधर कांस्टेंट हमने इसको किसमें सेव करवाया था? तो हमें ये समझ आया कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है। अब हमने यहां पे किया रूट डॉट रेंडर। अब यहां पे हम क्या पास कर रहे थे? जो भी चीज हमें चलानी है, या हमारा जो भी कंपोनेंट जो हमें चलाना है। देखिए, आपने ये चीज तो देखी कि यार सारा कचरा यहां तो नहीं हो सकता। कल हमने दो कंपोनेंट यही बनाए, तो आप में से किसी ने बोला कि सर सारी की सारी वेबसाइट ऐसी बनती है कि कंपोनेंट बना बना के, तो इसका मतलब है कि मैं सारी वेबसाइट का कोड एक फाइल में लिखूंगा तो ये तो कबाड़ा हो जाएगा। सही। अब इसका क्या तरीका है? तो आज हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट बनाते हैं लेकिन दूसरी फाइल में। बात समझ आई? अब हम क्या करते हैं कि यहां पे आते हैं, पहले तो ये कचरा साफ करते हैं। ये वाला फोल्डर स्ट्रक्चर आप सबको याद होगा। नोड मॉड्यूल्स में क्या होता है? पब्लिक में क्या होता है? इंडेक्स डॉट HTML। SRC में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट। पैकेज डॉट JSON में क्या होता है? जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड हैं उनकी इंफॉर्मेशन, कि वो लाइब्रेरी कौन सी वर्जन की है। अब आप खुद सोचें कि ये कौन सा वर्जन था रिएक्ट का? 18। लास्ट वाला जो मैंने काम किया था वो कौन सा वर्जन था? 17। तो आप सोचें कि मेरे पास अगर पैकेज डॉट जेसन नहीं होता, सही है, और मैं जाके डायरेक्ट रिएक्ट को इंस्टॉल कर देता, तो कौन सा इंस्टॉल करता? लेटेस्ट वाला, यानी कि 18, और वो कोड किसका है? 17 का, तो क्रैश कर जाता। अभी मेरे पास क्योंकि पैकेज डॉट जेसन है तो ये नामुमकिन है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा वाला इंस्टॉल करना है। अब इसका फर्ज करें कि नोड मॉड्यूल्स नहीं था, आपको कोई कोड देता है
आपको कोई भी कोड फॉरवर्ड कर रहा है उसके पास ये वाले जो फाइल्स है सिर्फ ये दे रहा है, नॉन मॉड्यूल्स वो नहीं देगा, आप ये बात समझ रहे हैं। तो आप इसको कैसे रन करोगे, तो आपकी जो पहली कमांड होती है ना, आप यहाँ cmd खोले, आपकी जो पहली कमांड होती है वो क्या होती है, npm install। ये आपकी कमांड तब आपने चलानी है जब आपके पास कौन सा फोल्डर ना हो, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर ना हो, समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई कोड देगा ना तो वो उसमें क्या नहीं होगा, नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स gb's की फाइल फोल्डर होता है, 1 GB 1.5 GB इतना जाता है। शुरू शुरू में जब आपकी रिएक्ट ऐप इंस्टॉल होती है तो आई थिंक 300-400 MB का होता है, बात समझ आ रही है, लेकिन जैसे जैसे आप काम बढ़ाते जाते हैं, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते जाते हैं, तो वो नॉर्मली 1 GB से क्रॉस कर जाता है। तो अब आप ये 1 GB की फाइल तो किसी को नहीं दोगे, सही है, 1 GB की फाइल को अपलोड होने में, डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं कि हम ये कभी भी नॉन मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं देते, उसके बगैर हम सारा काम करवाते हैं। तो आपके पास जब ये फाइल्स आएंगी तो उसमें क्या नहीं होगा, नॉन मॉड्यूल्स, लेकिन आप इसको वापस ला सकते हो, कैसे, सिर्फ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट चलाएंगे, उसमें आपको क्या लिखना है, npm install, उसी फोल्डर में होना चाहिए। अभी आपको बता रहे हैं ना कि फोल्डर कहाँ पे खुला हुआ है, ई ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर है, टू, उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, माई ऐप टू, उस पर आप ये कमांड चला रहे हो। तो ये वाली कमांड क्या करती है, ये पैकेज डॉट जेसन को खोलेगी और ये डिपेंडेंसीज को देखती है, वो कहती है अच्छा मुझे सबसे पहले क्या डाउनलोड करना है, टेस्टिंग लाइब्रेरी चेस्ट डॉम, कौन सा वर्जन, 5.16। उसके बाद आई टेस्टिंग लाइब्रेरी कौन सी, रिएक्ट, कौन सा वर्जन, 13.3। फिर उसके बाद उसने ये इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद वो क्या इंस्टॉल करेगी, रिएक्ट, फिर रिएक्ट डॉम, फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट, फिर कौन सा, वेब वाइटल्स। जब ये सारी डाउनलोड हो जाएंगी तब आपको वो कहती है कि ऑल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल, और जब आप आके अपने फोल्डर में देखेंगे तो आपके पास नोड मॉड्यूल्स वापस आ जाएगा, बात समझ आ रही है। अच्छा ये वाला क्या है, ये डॉट गेट इग्नोर, ये किसी को पता है, करेक्ट, कौन सी फाइल हमने गिटहब पे नहीं भेजनी। अब इसकी ये इसको रखने की वजह क्या है, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इस पे कुछ लिखा हुआ होगा, इस पे क्या क्या लिखा हुआ है, नोड मॉड्यूल्स, पीएनपी, पीएनपी डॉट जेएस, बिल्ड का फोल्डर, और ये कुछ और फाइल है। इस फाइल के अंदर जिस जिस फोल्डर का, जिस जिस फाइल का आप नाम लिखेंगे ना, गिटहब उसको अपलोड नहीं करता, तो गिटहब समझ जाता है कि ये मुझे चीज अपलोड नहीं करनी है। अब आप जरा खुद सोचेंगे, अगर आप ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जो है ये आप गिटहब पे अपलोड करने लग गए, सही है, तो इसको अपलोड होते होते दिन से रात हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचें ये कितनी एमबी का है, 339, लेकिन अगर आप इसको हटा दें, सिर्फ ये वाली फाइल है, इनकी आप साइज देखें तो कितना है, सबका 10.5 KB, तो आपका यूं अपलोड हो जाता है। फिर आप इसको डाउनलोड, कोई भी डाउनलोड करेगा एक सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, सही है, उसके बाद वो क्या कर सकता है, नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल, क्योंकि डाउनलोड करना एज कंपेयर टू अपलोड करने से तेज होता है, तकरीबन 4 गुना स्पीड होती है आपके डाउनलोड होने की और अपलोड होने से, अपलोड स्लो होता है, तो आप नहीं चाहते कि आपका जो गिटहब है उस पर क्या अपलोड हो, नोड मॉड्यूल्स, बात समझ आ रही है। अच्छा हम वापस चलते हैं अपने कोड पे, उसको दोबारा से कमांड चलाएं, वो टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो गया, इसको अप वाला दबा के फिर दबाएं, ऊपर वाला बटन दबाओ, एंटर दबा दो, दूसरे वाले को भी कर दो, सही है, किसी और का तो नहीं हुआ अभी तक ये, उसका आई थिंक उसका देखें, उसका स्टेटस आ गया, एरर आ गया, हो गया, अच्छा नहीं नहीं साथ नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका एरर आ गया, ऊपर वाली की दबा के एंटर दबा दो, ऊपर वाली की दबाओ, एरो अप, एंटर दबा दो, नहीं 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 भाई, एक दफा दबाओ, कमांड वापस आ जाती है ना,
हो गया, चलिए दोबारा। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, हमने ये लिखा React DOM dot create root document dot get element by id root, ये हमने बार बार किया है और इसको अब हमने समझा है कि ये क्या चीज है, सही है। अगेन ये वाली फाइलों को आप रोज जाके नाश्ते के साथ और रात को सोने से पहले खाने के साथ इसको जरूर देखें, ताकि आप लोगों को ना याद रहे कि React के फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइलें होती हैं। अब आप किसी कमरे में जाएं, उधर 100 लोग खड़े हुए हो और आप किसी को भी ना जानते हो, सही है, तो आपको थोड़ी सी नर्वसनेस होने लगेगी, यार ये पता नहीं मैं कहाँ आ गया। लेकिन अगर आप किसी जगह जाएं और 100 के 100 लोग आपको जानते हैं तो आपको फिर टेंशन नहीं होती, सही है। अजान के बाद बात करते हैं। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास कौन सी फाइल है, index.js। अब हमें करना यह है कि यहां पे हम एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसका नाम देते हैं सही है app.js। जिस तरीके से आप कंपोनेंट का नाम का पहला लेटर कैपिटल रखते हैं, उसी तरीके से आप कंपोनेंट की कोई फाइल बनाएंगे तो भी उसका पहला लेटर क्या रखेंगे, कैपिटल। कहाँ से डाउनलोड की थी आपने? नहीं, इंडेक्स होगा भाई, इंडेक्स वगैरह काम नहीं होता, चेक कर लेना क्या, यह चेक कर लेना, होगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दें, आपको VS Code के extensions का सबको आइडिया है? Yes, sir। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ना पता हो कि VS Code के extension क्या होते हैं? अब आप क्योंकि React पढ़ रहे हैं तो React की एक बड़ी जबरदस्त extension है, जब आप इधर आके लिखेंगे ना React तो सबसे ऊपर ऊपर आपको यही दिखती है ES7 plus React Redux React Native snippets। सबसे ज्यादा इसके डाउनलोड है 5 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं। आप इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल। जब आप इनको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक बेहतरीन सर्विस मिल जाएगी। अब देखिए मैंने क्या बनाई है, खाली फाइल app.js, सही है। यहां पे आके मैं लिखता हूं, क्या लिखा मैंने, RFCE, बस ये लिख के मैंने दबा दिया एंटर, तो ये क्या हुआ, आपको पूरा का पूरा उसने कंपोनेंट बना के दे दिया है, सही है। आपने क्या लिखा, सिर्फ RFCE React Functional Component Export RFCE। ये वाली, ये कहां पे यूज हुई है, हाँ अभी तक हमने यूज नहीं किया, लेकिन हाँ इससे कोई कोई ना कोई इधर फंक्शन है जो उसको यूज कर रहा है, लेकिन हो सकता है बैकग्राउंड में। अब आप कंपोनेंट को पहचानते हैं, मुझे बताएं कि ये फंक्शन है, इसका नाम क्या रखा है इसने, ऐप। ये ऐप इसको कहां से मिला, इस फाइल के नाम से। इस फाइल का जो मैंने नाम रखा था उसने इस फंक्शन का वही नाम लिख दिया। अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपके लिए न्यू है और कुछ चीजें आपने पहले ही आपको पता है। सबसे पहले चीज ये वाली तो आपको पहले मैंने देखी हुई है, इसका क्या मतलब है, इसे क्या इंपोर्ट किया हुआ है, फ्रॉम, ये कहां पर है, ये कहां पर है, नॉन मॉड्यूल्स में। उसके बाद आपके पास ये फंक्शनल कंपोनेंट है, इसको फंक्शनल कंपोनेंट को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है उसका कंपोनेंट है, तो उसको क्या नाम दे रहे, फंक्शनल कंपोनेंट। अच्छा, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, तो अब मुझे ये कंपोनेंट यहां पे चाहिए, ये कौन सी फाइल है, index.js। मैं कह रहा हूं कि ये वाला कंपोनेंट जो अभी अभी हमने बनाया मुझे कहां चाहिए, इंडेक्स जेएस के अंदर। क्यों, क्योंकि मैं इंडेक्स जेएस में कचरा नहीं करना चाह रहा,
मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्स जेएस का जो इंपॉर्टेंट वाला काम है ना, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, ये साफ सुथरा रहे, जो सारी फनकारी हो कहा हो एप डॉट जेएस में हो। बात समझ आ रही है? तो मुझे ये यहाँ पे चाहिए, तो ये कैसे आएगा, किसी को कोई आइडिया? इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आगे आप लिखेंगे इंपोर्ट अच्छा नॉर्मली आप ऐप लिखते हैं तो वो आपको वीएस को डायरेक्टली उसको ऑटो कंप्लीट कर देता है। अच्छा यहां पे जावास्क्रिप्ट की क्वालिटी है कि जब भी .js की फाइल होती है ना, तो जरूरी नहीं कि आप उसमें क्या लिखें .js, जब उसको आप सिर्फ उसका नाम देंगे वो समझ जाएगा ये किसकी फाइल है, ये आपकी js की फाइल है। लेकिन अगर कोई और फाइल है, मतलब इमेज है, css है, उसके लिए क्या आपको देना लाजमी है? उसका एक्सटेंशन। यहां पे आप देख रहे हैं कि उसने सिर्फ ऐप लिखा, हालांकि ये फाइल का नाम क्या है, app.js। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐप में यहां पे कैसे चलाऊं, मैं ये कर दूं क्या, ये सही तरीका है? कल हमने कंपोनेंट यहां कैसे पास किया था, टैग बना के, तो इसका मतलब है कि ये मैं कैसे पास करूंगा, टैग बना के। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टार्ट करने का इधर एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप वीएस कोड के बिल्कुल लास्ट में जाएंगे जहां पर ये 00 लिखा हुआ होता है नॉर्मली, सही है, आप इसको क्लिक करें तो यहां पर आपको बराबर में एक ऑप्शन मिलता है जिसको वो कहता है टर्मिनल। ये वही टर्मिनल है जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट आप खोलते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह कि ये वहीं पे खोलता है जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप तो कौन सी कमांड चलाएंगे, npm स्टार्ट। जब आपने npm स्टार्ट किया तो ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अच्छा ये टाइम क्यों लगाता है, आपने नोट किया ये इतना टाइम क्यों लगाता है? जब हम लाइव सर्वर पे राइट क्लिक करते थे तो एक सेकंड होता था और वो आपका html का पेज दिख जाता था। नहीं, इसकी कोई वजह किसी को पता है? किसी ने पढ़ा है कि वो जब ये बन के पूरा सर्वर चल जाता है तो कौन सी लाइनें, वो लाइनें क्या होती हैं? किसी ने वो लाइनें पढ़ी हैं? अभी देखते हैं वो क्या लिख के देता है। अभी तो वो कह रहा है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, अभी वो स्टार्ट कर रहा है, देखिए कितना टाइम लगा रहा है। हालांकि बात वही है कि जब हम लोग HTML CSS की कोई फाइल चलाते हैं तो वो यूं चल जाती है। अब वो देखिए क्या कह रहा है, ये लाइन पढ़े, कंपाइल सक्सेसफुली। कोई जानता है कंपाइल का क्या मतलब है? सही है। जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है, सही है, और दूसरी कंपाइलर लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटर में मैंने आपको बताया था कि वो कैसे एग्जीक्यूट करती है लाइन बाय लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। और कंपाइलर क्या करता था, एक दफा आपने पूरा कोड लिखा, उसने सारे कोड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मशीन कोड में, फिर वो मशीन कोड कंप्यूटर पे चलता है। आपको मैंने ये भी बताया था कि स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग है, कि सबसे पहले जो आप चीज लिख रहे हैं ये कौन सी लैंग्वेज है, ये कौन सी टाइप ऑफ लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, सही है। हाई लेवल के बाद आपकी जो है लो लेवल लैंग्वेज आती है, लो लेवल के बाद मशीन लैंग्वेज आती है, समझ रहे हैं? मतलब आपकी हाई लेवल के बाद एक लेयर है लो लेवल की, उस लो लेवल के बाद कौन है, मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब है कि इस कोड को चलाने के लिए सबसे पहले वो उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, लो लेवल में, लो लेवल के बाद मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन ले जाता है, वो एक लाइन उठाता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, लो लेवल में, लो लेवल को किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज, और उसको चला देता है। क्योंकि वो सिर्फ एक लाइन है, इस वजह से ये काम बहुत तेज होता है, आपको समझ में भी नहीं आता ये सारा काम बैकग्राउंड में हो गया। अब कंपाइलर के साथ क्या मसला है, कंपाइलर सारा कोड लेके जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये एक ही तो फाइल है, 5-6 लाइनें हैं, तो कंपाइलर को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो कंपाइलर सिर्फ इसको कंपाइल नहीं कर रहा, अपने जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हुई है ना उसको भी कंपाइल कर रहा है, क्योंकि वो भी तो उसको चाहिए। अब आपने कल देखा था कि रिएक्ट के फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स थी, और एक फाइल के अंदर 2700 लाइन्स थी, तो इसका मतलब है वो उन सब फाइल्स के पास जाता है
उन सब फाइल्स को कन्वर्ट करता है लो लेवल, फिर लो लेवल से मशीन लैंग्वेज में, तब उसके बाद आपके सामने वो ये चीज चलाता है। तो ये सारे प्रोसेस में ये टाइम लगता है। तो बेसिकली उसने जावा स्क्रिप्ट जो कि एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, कंपाइलर लैंग्वेज में। कंपाइलर लैंग्वेज के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं। इंटरप्रेटर में ये फायदा होता था कि उसी उसी वक्त एक एक लाइन चलती थी और आपको कोड दिख जाता था। कंपाइलर का क्या फायदा होता है, कंपाइलर सारे कोड को चला के दिखाता है कि कहीं पे कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि वो सारे कोड को पढ़ रहा है, तो कहीं और जाके भी कहीं भी कोई एरर होगा ना तो वो आपको बताता है कि भाई उस फाइल में जाओ, उस फाइल की लाइन नंबर इस पे कोई मसला है। ये चीज इंटरप्रेटर में नहीं होती, क्यों? क्योंकि जिस फाइल को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना वो सिर्फ उसके एरर बताएगा। मतलब फर्ज करेंगे index.js एक फाइल है, लेकिन उसके पीछे आपकी 5-6 फाइलें और हैं। अभी आप किसको चला रहे हो? index.js। तो आपको पता है कि index.js वहां तक चलेगी जहां तक एरर है। ये आपको बात बताया ना, फर्ज करें लाइन नंबर 50 पर एरर है, तो 40 लाइन जो लाइनें हैं वो तो चलेंगी ना, उनमें तो कोई मसला नहीं आएगा। तो ये मसला है कि मतलब एक फाइल में एरर है लेकिन फिर भी आप उसका कंप्यूटर उसको चला रहा है, और आपको तब पता लग रहा है जब वो लाइन नंबर 50 पे पहुंच रहा है। अब बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हो सकते हैं कि जब आप उसको नोटिस ही ना करो, सही है? आपके पास एरर था 50 पे, वहां पे कोड क्रैश हो रहा था, लेकिन आपने कोड ऐसा लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आया कि ये कोड क्रैश हो चुका है, लेकिन कंपाइलर आपको बताता है, कंपाइलर आपको पूरी रिपोर्ट देता है कि भाई उस फाइल में उस जगह पे एरर है, इस फाइल में इस जगह पे एरर है, और आपकी तीसरी फाइल में इस जगह पे एरर है। पहले इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद आगे डिलीवर करो। समझ आई बात? तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का फर्क है। तो रिएक्ट बेसिकली क्या करता है कि वो कंपाइल करता है। अब इससे एक और फायदा होता है स्पीड का। इंटरप्रेटर जो होता है वो जब भी चलती है तो वो बेसिकली क्या करता है, लाइन बाय लाइन को कन्वर्ट करता है, जब भी चलती है, हर बार चलती है। लेकिन कंपाइलर का क्या फायदा है, उसने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया है तो वो फास्टर है, वो क्विकली आपकी स्टार्टअप हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अब ये ऐप हमने कहां लिखी थी, app.js में, लेकिन हमने इसको कॉल कहां कराया हुआ है, index.js में। तो हमने बेसिकली इसको app.js की फाइल को एक्सपोर्ट किया, कहां पे एक्सपोर्ट किया, कौन सी फाइल में, js में। यहां से हमने इसको एक्सपोर्ट किया और इंडेक्स के अंदर हमने इसको क्या किया, इंपोर्ट। ऐसा ही होता है ना कि अगर कोई आपका एक प्रोडक्ट है वो चाइना से एक्सपोर्ट हुआ है तो आपकी कंट्री में आके वो क्या होगा, इंपोर्ट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो चाइना से एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ और आप इंतजार कर रहे हो कि आप इंपोर्ट करोगे, नामुमकिन सी बात है। कोई चीज कहीं से एक्सपोर्ट हो रही है तभी तो आप जाके उसको इंपोर्ट कर रहे हो। बात समझ आ रही है? अब कॉन्सेप्ट है इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। रिएक्ट के अंदर दो तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट जो कि आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, अब इसमें क्या फर्क है, और एक और होता है नेम्ड इंपोर्ट। क्या होता है, नेम्ड इंपोर्ट। डिफॉल्ट का हम देख लेते हैं, डिफॉल्ट का वैसे लफ्ज आप सही समझ रहे हैं, आप यहाँ पे लिखें नेम्ड वर्सेस डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स रिएक्ट। आप कोई भी आर्टिकल खोल लें तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। ये वाला काम हमने अभी अभी किया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माय कंपोनेंट। यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, क्योंकि हमारे कंपोनेंट का नाम क्या है, ऐप। देखिए अब देखते हैं कि ये वाला आपको वो कोड दिखाता है। उसकी इमेजेस ही गायब हो गई हैं, आई थिंक वो इंटरनेट स्लो है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे बहुत खिचपिच है, एक काम करते हैं हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इतने तरह के एक्सपोर्ट्स होते हैं, दो तरह के। अब दो तरह के एक्सपोर्ट होंगे तो जाहिर सी बात है दो तरह के इंपोर्ट भी कहलाएंगे। तो आप इसको ये कह सकते हो कि दो तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, सही है? पहला, सबसे पहला एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफॉल्ट। अब इसका क्वालिटी क्या है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि मैम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफॉल्ट है, सही है? तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं
और मैं यहां पे चलाता हूं तो ये क्या हो रहा है, चल रहा है, हालांकि मैंने इसका नाम क्या रख दिया है, और लेकिन यहां पे एक्सपोर्ट क्या हुआ था, ऐप, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, चलाया, क्यों, क्योंकि यहां पे आपने किस तरह का एक्सपोर्ट किया है, डिफॉल्ट, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट को पता है कि भाई आप किसी भी नाम से इंपोर्ट करा लो, मुझे पता है कि मुझे क्या एक्सपोर्ट करना है, तभी इसको हम क्या कह रहे हैं, डिफॉल्ट, सही है। अब अलग अलग कंपोनेंट होगा तब क्या होगा, ये मसला है, सही है। अब देखें हम इसको डिलीट करते हैं, अब जाहिर सी बात है यहां पे एरर आएगा, हाँ ये कह रहा है कि कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं हो रही, आप यहां पे इंपोर्ट क्या करा रहे हो, सही है। इसको हम दोबारा से ये कर लेते हैं, भी एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई आपने इस फाइल से कोई चीज आप इंपोर्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहां पर तो कोई चीज एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही, तो मैं इंपोर्ट कहां से कराऊं, और वाकई क्योंकि हमने एक्सपोर्ट की लाइन डिलीट कर दी है। अब एक काम हो सकता है, ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसको आप स्पेस दें, आप यहां पे क्या लिख दें, एक्सपोर्ट, अभी भी एरर हटा नहीं, हटा क्यों, क्योंकि अब ये कौन सी टाइप की इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, कौन सी एक्सपोर्ट है, अब नेम्ड एक्सपोर्ट का थोड़ा तरीका अलग है इंपोर्ट कराने का, आप क्या दे देते हो, कर्ली ब्रैकेट, क्या देते हो, तो यहां पे क्या हो गया, ये चल गया, क्यों आपने कर्ली ब्रैकेट दिया, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट से आप जावास्क्रिप्ट को बता रहे हो कि आप किस तरह की इंपोर्ट कर रहे हो, नेम्ड इंपोर्ट कर रहे हो, बात समझ आ रही है, नेम्ड इंपोर्ट हो रही है यहां पे। अब नेम्ड इंपोर्ट का फायदा क्या है, डिफॉल्ट अच्छा तो था, अच्छा भला था, नीचे बस लिखा हुआ था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, बात खत्म, ये करने की क्यों पंचायत पड़ी। अब फर्ज करेंगे ये आपकी जो app.js की फाइल है, इसके अंदर एक और कंपोनेंट है, यहां पे मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूं, इसका नाम मैं देता हूं दोबारा से ग्रीटिंग, सही है, और मैं इसको प्रिंट करा लेते हैं यहां पे ग्रीटिंग। अब देखिए ये इधर एक्सपोर्ट इधर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर इस ग्रीटिंग को इंपोर्ट करा सकता हूं। अब आप यहां पे नाम की गलती नहीं कर सकते, आपने एक लफ्ज भी गलत लिखा वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि किस तरह का इंपोर्ट है, नेम्ड इंपोर्ट है, ये नाम से इंपोर्ट कर रहा है, जब वो नाम से इंपोर्ट कर रहा है तो नाम का सेम होना लाजमी है, डिफॉल्ट वाले में लाजमी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे यही भेजना है, एक ही चीज है मुझे वो भेजनी है, मुझे डिफॉल्ट पता है, आप उसका जो भी ABCD नाम रख लो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां पर आपको नाम का खास ख्याल रखना है। अब आपने ग्रीटिंग बना लिया, अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे हम बनाते हैं एक इफ ऐप ग्रीटिंग, तो आपके पास दोनों कंपोनेंट यहां पे चल गए। अब ये दोनों कंपोनेंट कहां से आ रहे हैं, कि app.js की फाइल से आ रहे हैं, और किस तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आ रहे हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आ रहे हैं, ठीक है। एक और अब हम मुझे एक काम करना है, मैं कहता हूं यहां पे मैंने एक और कंपोनेंट बनाना है, सही है, यहां से मैं इस एक्सपोर्ट को मिटा देता हूं और इसका नाम रख लेता हूं क्या, बुक, यहां पे रख लेता हूं क्या, बुक, और यहां पे हम लोग फाइनली दे देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कौन सा, बुक। अब आप इस एक ही फाइल में देख रहे हैं कि दो कंपोनेंट किस तरह से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट, और ये तीसरा कंपोनेंट किस मेथड से एक्सपोर्ट हो रहा है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। अब यहां पर मसला ये है कि मैं यहां पर ये लिखूंगा क्या, हम इसको चला के देख लेते हैं पहले, क्योंकि हर चीज पहले आप चला के देखें तो ज्यादा अच्छा है। अभी आपको क्या एरर दे रहा है, एक्सपोर्ट बुक इंपोर्टेड एज बुक वॉज नॉट फाउंड इन app.js, वो क्यों कह रहा है, हालांकि मैंने एक्सपोर्ट तो किया है, वो इसलिए कह रहा है कि आपने इंपोर्ट किस तरह से कराने की कोशिश की है, नेम्ड इंपोर्ट, सही है, माल पहुंचना था कराची पोर्ट पे, आप जाके खड़े हुए हो बिन कासिम पोर्ट पे,
तो वो आपको कह रहा है भाई यहाँ पे ये चीज आई ही नहीं है, सही है। आप तो बेसिकली इसको मिटाओगे, आप दोबारा कराची पोर्ट पे जाओ और उसको बोलोगे भाई ये मेरा इम्पोर्ट आया हुआ होगा, वो आपको यहाँ पे दिखा दे, सही जगह पे सही वक्त पे पहुंचे, पर आपका काम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बड़ा पंचायत है कि यार यहाँ पे app.js, यहाँ पे भी app.js, क्या ये एक ही लाइन में हो सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप इस तरह से लिखें तो। सही है, कहीं भी लिख सकते हैं, हाँ इस उस तरह बिल्कुल लिखें। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आपके, हाँ लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि ऐसे आप जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है ना वो आप पहले लिखते हैं, आप नेम्ड एक्सपोर्ट फिर ब्रैकेट के अंदर बाद में लिखते हैं। अब आपको समझ में आ रही है कि ये नेम्ड आपके इम्पोर्ट हैं और ये डिफॉल्ट इम्पोर्ट, सही है। तीनों चीज़ें हमने एक साथ इम्पोर्ट कर ली, हालांकि उनका तरीका एक्सपोर्ट का अलग अलग था। अब आप वहाँ के पीछे जाके चेक कर दें, हमारा काम फिर भी चल रहा है, सही है। तो आपको ये बात समझ आई, नेम्ड एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, नेम्ड इम्पोर्ट और डिफॉल्ट इम्पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, क्योंकि आगे चल के आप जो भी कंपोनेंट्स बनाओगे वो किस में बनाओगे, दूसरी फाइलों में। अब आपके पास क्या होता है, आपकी थोड़ी थोड़ी मुश्किलात में इजाफा हो रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा। पहले आपके पास एक फोल्डर था, उसका नाम क्या है, SRC। SRC के अंदर सबसे पहले आपके पास कौन सी फाइल थी, index.js। अब आपके पास क्या आ गई है, app.js। अब आपके पास इसमें एक फोल्डर आता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सही है, इस फोल्डर को हम क्या नाम देते हैं, कॉम्पोनेंट्स। अब आप जो भी कॉम्पोनेंट बनाओगे वो किसके अंदर बनाओगे, इस फोल्डर के अंदर, सही है। इसका क्या मतलब है, अब आप app.js के अंदर भी ज्यादा खिचड़ी नहीं बनाते, आप app.js के अंदर बस app.js वाला जो कंपोनेंट है वो है, हाँ आप बना सकते हो, आपको भी मना नहीं कर रहा, लेकिन ये स्टैंडर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास एक ही कंपोनेंट होता है, किसका, app.js का। आपने ऐप लिखा और यहां पे आके आप सिर्फ क्या इंपोर्ट कराते हो, सर से सिर्फ ऐप इंपोर्ट कराते हो और यहां पे इसको दिखाते भी सिर्फ क्या हो, ऐप। बताते आप कुछ साफ सुथरा लग रहा है। आपके पास इंडेक्स जेएस में क्या है कि आप कौन सा फंक्शन चला रहे हो, बेसिकली रेंडर का। मैंने आपको बताया था कि ये रेंडर का फंक्शन बेसिकली क्या बनाता है, ये वर्चुअल डोम बनाता है, क्या बनाता है, वर्चुअल डोम बनाता है। तो ये index.js, इसको हम ज्यादा नहीं छेड़ते, इसमें ज्यादा हम घूमने फिरने नहीं आते, सिर्फ जब आप पढ़ रहे थे सीख रहे थे तब आपने ये चीज देखी, इसके बाद बहुत मुश्किल है ये आप कभी भी इसको दोबारा देखेंगे। index.js की फाइल में आप ज्यादा घुसते ही नहीं है, ज्यादातर आपका पहला काम कहाँ शुरू होता है, app.js में। अब app.js में भी ज्यादा आप पनकारियां नहीं करते, करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करते। अब आपको जो भी कंपोनेंट बनाना है वो आप कहां लाएंगे, app.js में कहां लाएंगे, लेकिन वो कंपोनेंट बनाएंगे किधर, कंपोनेंट के फोल्डर में। जैसे कि आपने यहां पे बनाया book.js, अब यहां पे कमांड क्या थी, rfce, तो ये बुक का कंपोनेंट ऑटोमेटिक बन गया, सही है। अब आप app.js में आए, यहां पे आपको वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो कौन सा इंपोर्ट है, named default है, तो मैं क्या लिखूंगा, बुक। तो देखिए वो बुक कहां से लेकर आ रहा है, कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाओ, उसमें क्या पड़ा है, बुक पड़ा है। अब आप इस बुक को यहां पे चला देते हो, तो आपके पास क्या चल गया, अब जरा इसको जरा सोचें, तो यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट है, index.js का, वो कंपोनेंट नहीं है, वो बेसिकली मेन आपका वर्चुअल डोम है, वो बन वहां पे रहा है, कौन सी फाइल में, index.js में। index.js में क्या चीज इंपोर्ट हो रही है,
app.js, और app.js में क्या चीज इंपोर्ट हो रही है, book.js, और book.js पड़ा कहां पर है, कंपोनेंट्स के फोल्डर में। अब कंपोनेंट्स के फोल्डर में जो आइडियली काम होता है वो डायरेक्टली ऐसे आप नहीं लिख देते, बल्कि आप क्या करते हैं, अब आप यहां पे क्या बनाते हैं, फोल्डर्स। पहले फोल्डर में वैसे आप बनाते हैं नेविगेशन, दूसरे फोल्डर आप बनाते हैं फर्ज करें सेक्शंस, तीसरा आप क्या फोल्डर बनाते हैं, फुटर, सही है। तो फुटर के अंदर फुटर के कंपोनेंट, नेविगेशन के अंदर नेविगेशन के कंपोनेंट, और सेक्शंस के अंदर सेक्शंस के फोल्डर्स। पहले होम सेक्शन का फोल्डर, अब होम सेक्शन के फोल्डर के अंदर जो होम पेज का जो कंपोनेंट है उसकी फाइल है, उसके बाद जो अबाउट सेक्शन, फिर अबाउट सेक्शन की फाइल है, समझ रहे हैं, फिर आपका प्रोडक्ट सेक्शन, तो प्रोडक्ट सेक्शन के सारी चीजें, ऐसे होगा, सब लाइन बाय लाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता जाएगा, लेकिन सब एक साथ नहीं होता। आप यहां पे नॉर्मली क्या बनाते हैं, जैसे मैंने बुक बनाया है ना, इसका यहां पे नॉर्मली होता है, इसका भी नाम होता है, या मेन इसको कहते हैं, या इसको भी आप क्या कह देते हो, इंडेक्स। सब कुछ इसमें इंपोर्ट होता है, फिर यहां से सब कुछ किसमें इंपोर्ट होता है, app.js में। ये स्टैंडर्ड है, अभी आप कचरा कर सकते हो, अभी आप book.js में गए और आपने इंपोर्ट कराया, आप app.js में ही कंपोनेंट बना दिया, आपको कोई नहीं रोक रहा। ये तब की कहानी है जब आप React में थोड़े बेटर हो जाओ, प्रोफेशनल हो जाओ, अच्छे हो जाओ, और इस तरह के आपको आर्किटेक्चर दिखेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं कि इसको हमने बुक कर दिया दोबारा वापस, कुछ ऐसे भी काम करते हैं कि कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आपका पहले बनाते हैं हुक्स, एक फोल्डर बनता है हुक्स का, हुक्स हम बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद अगर एक फोल्डर आता है उसका नाम क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट होता है। अब कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट का फोल्डर होता है, अब इस कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, इस कंपोनेंट के अंदर जैसे बटन, सही है, कार्ड, फॉर्म, इनपुट, अब वो क्या करते हैं कि वो एक एक फाइल के अंदर सिर्फ बटन की डिजाइन होती है और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक फाइल के अंदर सिर्फ लिंक की डिजाइन होती है और कुछ भी नहीं होता, सही है। तो वो कंपोनेंट का फोल्डर अलग है, फिर एक फोल्डर बनता है व्यूज का, अब व्यूज के फोल्डर के अंदर वो पेजेस के नाम लिखता है, जैसे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बाद होम पेज, सही है, प्राइस पेज, प्रोडक्ट पेज, अबाउट अस पेज। अब उस एक एक कंपोनेंट में कहां से कंपोनेंट चीजें आ रही होती हैं, जो दूसरा कंपोनेंट का फोल्डर था वहां से, कि बटन चाहिए बटन ले आए, टेबल चाहिए था टेबल ले आए, फॉर्म चाहिए था फॉर्म ले आए, सही है, ग्राफ चाहिए था ग्राफ ले आए। तो बेसिकली वो छोटे छोटे सेक्शंस जो हैं वो कंपोनेंट्स के फोल्डर में बना रहे होते हैं, जो कंपोनेंट के ही फोल्डर के अंदर पड़ा है, सही है। और जो व्यूज का फोल्डर है वो बेसिकली मेन पेजेस हैं, जैसे लॉगिन का पेज, साइनअप का पेज, सही है। कुछ आर्किटेक्चर इसको फॉलो करते हैं, कुछ इसको इस तरह फॉलो करते हैं कि आपके कंपोनेंट्स के अंदर फुटर का होगा, नेविगेशन का होगा, सेक्शंस का होगा। मैं वो वाला ज्यादा फॉलो करता हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स, क्या मैं ये करता हूँ कि मैं कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाता हूँ, उसके बाद साथ में कॉन्टेक्स्ट और हुक्स का फोल्डर बनाता हूँ, और तीसरा फोल्डर व्यूज का होता है। इसके अंदर फायदा ये होता है कि अगर फर्ज करें एक तरह का बटन मुझे 5-6 कंपोनेंट में चाहिए, तो वो बटन मैंने एक ही दफा बना लिया, फिर उसको कंपोनेंट के फोल्डर में वो पड़ा है। अब मुझे अबाउट में चाहिए तो उसको अबाउट में इंपोर्ट कर दिया, सही है, उधर से। अब ग्राफ मैंने एक दफा बना लिया, अब मुझे 4 पेजेस पे ग्राफ अलग अलग चाहिए, सही है। तो अब वो कंपोनेंट क्योंकि कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर पड़ा है, तो मैं वहां से ग्राफ को इंपोर्ट करा लूंगा कहीं भी। ये बड़ा अजीब लगेगा कि फर्ज करें, ये भी हो सकता है, ये बड़ा अजीब लगेगा कि फुट नेविगेशन के अंदर फर्ज करें आपने ग्राफ का कंपोनेंट बनाया है, अब वो कंपोनेंट आपको सेक्शन में कहीं पे चाहिए, तो आप उसको नेविगेशन के अंदर से इंपोर्ट करा सकते हो, सही है। लेकिन ये अजीब से कनेक्शंस बन जाएंगे, नेविगेशन से एक फाइल आप इंपोर्ट करा रहे हो सेक्शन के अंदर, सेक्शन से एक चीज आप इंपोर्ट करा रहे हो नेविगेशन के अंदर, तो ये कंपोनेंट वाला सिस्टम ही खराब हो गया, क्योंकि सारी चीजें अब आपस में क्या है, लिंक्ड है, कनेक्टेड है। अब जब मैं नेविगेशन को उड़ाऊंगा तो मेरे उसके साथ साथ सेक्शन भी उड़ जाएंगे, डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, तो फायदा नहीं हुआ। तो मुझे वो वाला आर्किटेक्चर ज्यादा पसंद है कि कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट का फोल्डर है जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे बटन हो गया, नेविगेशन हो गया, लिंक हो गया, फॉर्म हो गया, ग्राफ हो गया, सही है, टेक्स्ट हो गया, फॉन्ट हो गया, इस तरह के कंपोनेंट सारे मैं बना लेता हूँ, फाइलें बना लेता हूँ, साइड बार्स हो गए, लेआउट हो गया, इस तरह की चीजें बना के फिर उसको व्यूज के अंदर क्या करा रहा होता हूँ, इम्पोर्ट, सही है, अलग ही बना लो।
ये बेसिकली साइकोलॉजी ये है कि जो चीज आपको पता है कि बार बार इस्तेमाल होगी, जैसे ग्राफ, आपको पता है कि ग्राफ बार बार इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर रखो ताकि आपको जहां भी चाहिए हो वहां से वो आप उठा लो। अब आपको पता है बटन हर जगह पे इस्तेमाल होगा, हो सकता है बटन का कलर चेंज हो, लेकिन आपको डिजाइन तो एक ही रखना है ना सारे पेज में। ऐसा तो गोलाकंडा नहीं बनाना है कि यहाँ पे एक मतलब कि अच्छा सा एक आपने बटन बनाया हुआ है, दूसरी जगह पे उसका साइज ये बनाया हुआ है, तीसरी जगह पे उसका साइज ये बनाया हुआ है, ऐसा तो आपने कहीं नहीं देखा। बटन का आप नोट करते होंगे, हाँ उसका साइज थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन उसका डिजाइन एक जैसा होता है सारे वेबसाइट, ये बात समझ आ रही है? तो ये कैसे होता है कि वो एक ही जगह पे, इस तरीके से आपका कार्ड है, आपने कार्ड एक दफा कंपोनेंट के अंदर बना लिया, आपने कहीं भी उठा के यूज कर लिया। तो नॉर्मली आर्किटेक्चर ही होता है, लेकिन अभी आपको आर्किटेक्चर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी आप यहाँ पे गोले गंडे बना दें, कोई मुझे मसला नहीं है, आप कंपोनेंट का फोल्डर बनाए, उसके अंदर बुक रख दें, आप उसके अंदर कुछ भी रख दें, मुझे टेंशन नहीं है। इंडेक्स और एप डॉट जेएस लाजमी होने चाहिए, बात समझ आ रही है? कौन सा वाला मेन का बनाया मैंने? ये हाँ ये मेन होता है, इसके अंदर हम सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो भरते चले जाते हैं, बाहर ये खाली रहता है। सिर्फ क्या दो फाइलें रहती हैं, एप डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस। यहाँ पे नॉर्मली कुछ लोग जो है ना एप डॉट सीएसएस भी बना लेते हैं, लेकिन मुझे ये चीज यहाँ नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि फर्ज करेंगे आपके पास फुटर की सीएसएस है, तो मैं चाहता हूँ कि फुटर के अंदर हो, फुटर डॉट सीएसएस। यहाँ पे नेविगेशन की सीएसएस है, तो वो कहाँ हो? नेविगेशन के अंदर, नेविगेशन डॉट सीएसएस। यहाँ पे क्यों बनाना है? कुछ आर्किटेक्चर होते हैं वो यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस की एक फाइल बनाते हैं और पूरी रिएक्ट टाइप की सीएसएस एक फाइल में भर देते हैं, लेकिन मुझे वो ज्यादा नहीं पसंद। सही है, वो खैर आपकी मर्जी है। इमेजेस जो होती है वो आपके पास स्टैटिक में आती है नॉर्मली, यहाँ पर पब्लिक के अंदर, पब्लिक में डालता है। चीजें अगर आपको ऐसी इमेजेस हैं जो चेंज होती हैं, सही है, या आपने एक जगह रख लेनी है, वैसे इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, आप इसको कहीं भी रख लें, कहीं भी इम्पोर्ट करा लें। सारा मसला होता है इम्पोर्ट का, कि आप इमेज को कहाँ से इम्पोर्ट करा रहे हो। नॉर्मली अगर मैं रखता हूँ तो मैं नॉर्मली यहाँ तो पब्लिक में रख लेता हूँ, सही, यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बना लेता हूँ। हाँ, तो आप पब्लिक में रख लें दोबारा, बाद देना पड़ेगा, जब आप कंपोनेंट बना रहे होगे ना उसके ऊपर देना पड़ता है, वो हम सिखाएंगे, उसका थोड़ा अलग तरीका है। आप डायरेक्टली एसआरसी में जैसे लिंक दे देते हैं ना, वैसे नहीं होता, रिएक्ट में ऐसा काम नहीं होता, रिएक्ट में थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि रिएक्ट खुद जनरेट करता है, उसका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपका बेसिकली ये है कि आपसे अभी तक आपका तारुफ चल रहा है इससे, रिएक्ट से अभी तक आपका तारुफ चल रहा है, अभी तक आपने रिएक्ट शुरू नहीं किया है। सही है, सही मायनों में अभी आपने शुरू नहीं किया, अभी आप तो समझ रहे हैं कि ये क्या है, कैसे है और क्या चीज कैसे बनती है, इसका सही, इसका क्या नाम है, फाइलें क्या होती हैं, कैसे फाइलें सेव करनी है, वो जो शुरू में आपने फर्ज करें पहले पहले दिन आप आए होंगे जब आपने HTML की क्लास पढ़ी होगी, तो मैं बता रहा था बेटा ये VS कोड है, ये साइड में जाओ, यहाँ पे आप प्लस के बटन को क्लिक करोगे नई फाइल बन जाएगी, सही है, index.html लिखना, .html लाजमी लिखना। तो ये अभी समझ लें रियल का वो वाला काम चल रहा है, आपको मैं फाइलों के नाम बता रहा हूँ, फोल्डर के नाम बता रहा हूँ, कैसे फोल्डर बनाने, सही, अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ। जब मैंने ऊपर लिखना शुरू कर दिया ना, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, तो भाई साहब हंस रहे हैं, इनको पता है कि भाई फिर क्या हाल होता है। तो यूज स्टेट और यूज इफेक्ट जब जिस दिन शुरू हो ना, तो समझ जाएंगे अब बेसिक जो रिएक्ट है वो शुरू हो चुकी है, सही है। तो उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको बाकी चीजें हैं जो है मुझे मुझे पता है कि याद नहीं रहेंगी, लेकिन उसका फायदा यह है कि जब आप रिएक्ट के फोल्डर को देखेंगे ना, तो जब आप पहली दफा आके आपने देखा होगा ना, तो आप बोलते होंगे भाई ये क्या है, अब वो रिएक्शन नहीं आएगा, अब आपको पता है अच्छा नोड है, इस नोड मॉड्यूल्स है, इसके अंदर लाइब्रेरी है, पब्लिक है, इसके अंदर क्या है, index.html है, सही है, SRC का फोल्डर है, सारी जावास्क्रिप्ट की फाइलें इसके अंदर है, सही है, गिट इग्नोर है, भाई जो चीज इग्नोर करानी है वो इसके अंदर लिख दो, package.json में सारी लाइब्रेरियों के नाम मिल जाएंगे, सही है, रीडमी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो भी आपने लिखना है, सही है। अगर आपको नहीं बताना किसी को कि ये कैसे चलेगी, आप लिख दें चल भाग, तो उसको जब आप गिटहब पे अपलोड करेंगे सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा चल भाग, सही है, तो आप बोले मेरी मर्जी, नीचे लिख भी दें छोटा सा, तो खैर वो रीडमी उसके लिए। अब आपको पता है कि फाइलें क्या कर रही हैं, फोल्डर्स क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज किसके लिए है, पहले मशीन चलाने से पहले मशीन को समझना जरूरी है ना, कौन सा पुर्जा क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कि हाँ भाई अब चलाना सीखते हैं।
सही बात है ना, पहले बाइक में यही होता है कि ये टायर है, ये क्लच है, ये रेस है, पहले हम लोग यही सीखते हैं कि अच्छा ये ऐसी है, ये किक मारनी है, फिर हम फाइनली बैठते हैं यहाँ भाई अब चलाना सिखाते हैं, फिर थोड़ी दूर जाके गिर जाते हैं वो अलग बात है। तो रियल में भी थोड़ा सा होगा कि हम थोड़ा चलाएंगे फिर आगे गिरेंगे, आप बोलेंगे ये एरर आ गया, आपने एक लफ्ज़ गलत लिख दिया, वो पूरी की पूरी स्क्रीन गायब हो गई, लाल कलर का कुछ लिख के आ गया, आप डर जाओगे, बोलोगे पता नहीं क्या हो गया, फिर मैं आके बटन दबा के बस यूं करूंगा वो सही हो जाएगा। सही है, तो ये छोटे मोटे मसले मसाइल शुरू में होंगे, लेकिन जब आप थोड़े बहुत प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आप में से आधे बच्चे बोलेंगे सर दूसरा बैच भी रिएक्ट कब शुरू हो रही है। सही है, आधे बच्चे बोलेंगे कि सर अब हम लोग कहीं इंटर्नशिप करें या क्या करें या हम लोग फ्रीलांसिंग करें। सही, तो कोशिश करेंगे आप वो वाले बच्चे बने जो आके पूछेंगे सर मैंने फ्रीलांसिंग अब करनी है या इंटर्नशिप करनी है क्योंकि मुझे रिएक्ट आ गई है, तो आप वो वाले बच्चे बने। ये वाले बच्चे मत बनिएगा कि सर अगले बैच की रिएक्ट कब शुरू हो रही है। सही है, तो ये थोड़ा मत कीजिएगा क्योंकि इससे ये पता लग रहा है कि आपने पहली बारी में सही से नहीं पढ़ा। अब बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर आप ये आके दूसरी बार पढ़ने के बाद आके बोल रहे हो सर तीसरे वाले बैच का कब शुरू हो रहा है। सही है, फिर आपको थोड़ी सी ना खुद पे फिक्र करनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा ध्यान रखें। अच्छी बात है दूसरी दफा पढ़ना। अभी मुझे भी गो अहेड दे दिया गया है कि भाई जो बैच वन के जितने बच्चे हैं आपको लगता है कि उनको रिवाइज कराना चाहिए आप उनको बुला लें सेकेंड बैच में बुला लें। सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार ऐसे मैंने किया ना तो ये बैच टू वाले बोलेंगे कि यार बैच थ्री में पढ़ लेंगे हम लोग। सही है, तो ये देखिए देखिए आपका टाइम है, आप जितना जल्दी सीखेंगे। अभी आप में से एक बच्चे ने आगे मुझे सुबह थोड़ी देर पहले आगे कहा कि सर हमारे घर वाले पूछ रहे हैं कि 5 महीने से कर क्या रहे हो। सही है, हर हफ्ते जाते हो वापस आ जाते हो, खेल कूद रहे हो, कहीं पढ़ने भी जाते हो कहीं और जाते हो। सही बात है ना, तो उनको कोई रिजल्ट दिखे ना, उनको दिखे कि हाँ यार लड़का कुछ कर रहा है। सही बात है ना, तो आप अगर अभी आपका 1 महीना और लगेगा तो आप लोगों की रियल थोड़ी सीधी हो जाए, आप थोड़ा इसमें काम करना शुरू कर दें। तो मैं आपको फ्रीलांसिंग का उन्होंने मुझे अच्छा सजेशन दिया है कि आपको फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स हैं उन पर कैसे गिग्स बनाते हैं, कैसे उस पर प्रोफाइल बनती है, जिस तरीके से मैंने लिंक्डइन बताया था तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे जुगाड़ होता है। क्योंकि अगर आप फाइवर की वैसे नॉर्मली आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आप 1 साल तक बैठे रहेंगे इस इंतजार में कि कोई अल्लाह का वली आएगा और हमारा एक ऑर्डर प्लेस करेगा। उसके कुछ टेक्निकें बताएंगे, जुगाड़ बताएंगे कि आप में से कुछ बोलेंगे, फतवा लगाएंगे कि सर ये तो गलत है। सही है कि ये आप मदरसे में खड़े हो गए कैसी बातें सिखा रहे हो। सही है, लेकिन देखिए वो जुगाड़ सारी दुनिया में चलता है और वो करना पड़ता है। ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत चीजें जो है आपको करनी पड़ती है, तो उस पर अगर आप वो करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे ऑफिस में एक लड़का है, उसने 2 महीने पहले एक प्रोफाइल बनाई, उसको मैंने कहा कि भाई ये है जुगाड़, अब अगर तुम्हें लगता है कि गलत है तो तुम ना करो, अगर तुम्हें लगता है कि करना चाहिए तुम कर दो। तो उसने वो किया और उसके आई थिंक 15-20 दिनों के बाद उसको पहला ऑर्डर मिल गया, उसको मिल गया। अभी जो 2 महीने के अंदर उसके 12 ऑर्डर्स हो चुके हैं। सही है, तो ऑर्डर्स आते हैं लेकिन आपको जो टेक्निक्स हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। बात समझ आ रही है। इसके अलावा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको रिएक्ट के बाद आपकी एक्सप्रेस आएगी, एक्सप्रेस बेसिकली नोड है जो कि आपका वेब सर्वर है, तो वो आपके पास आएगा और एक्सप्रेस में मुझे चांसेस देंगे आपके 5 बच्चे वापस बचेंगे। सही है, क्योंकि वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, क्योंकि फिर मैं आपको बोलूंगा कि अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ी देर अब आप साइड में रखो, क्योंकि अब आप क्या चीज लिख रहे हो सर्वर, तो सर्वर जब शुरू होता है तो मुझे पता है कि फिर एक हफ्ते में 1 बच्चा कम होता है, दूसरे हफ्ते में 2 बच्चे कम होते हैं, तीसरे हफ्ते में 3 बच्चे कम हो जाते हैं, तो बोलते हैं ये सर्वर साइड पता नहीं क्या है। तो सर्वर साइड में ज्यादा कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा उसका कोड डिफरेंट है जिससे बच्चे डर जाते हैं। हालांकि वो मुझे रिएक्ट से ज्यादा आसान लगता है क्योंकि वो एक फाइल में सब कुछ हो जाता है, बेसिक कमजोर होती है थोड़ी सी, अब वो बच्चे शुरू में ना डर जाते हैं। हैकिंग यार, हैकिंग का ये कोर्स ही नहीं है, तो वेब एंड डेव है। उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का ना एक पाइथन का एक कोर्स हो, 1 महीने का पाइथन का कोर्स हो, क्योंकि वेब सर्वर्स नोड के तो अच्छे हैं लेकिन पाइथन की फिर अपनी बात है। तो जब आप उसकी गिग बनाएंगे ना, चूंकि मैं लड़के की बात कर रहा हूँ जिसके 2 महीने में 12 हैं, उसको पाइथन आती है, तो पाइथन का ही सारा झोल है, तो उसमें आपके बेसिकली एडवांटेज आ जाता है। अब आपको जावास्क्रिप्ट आती है, रिएक्ट आती है, बूटस्ट्रैप आती है, उसके साथ लिखते हो आपके भाई मुझे फ्लास्क का सर्वर बनाना भी आता है, फ्लास्क मतलब पाइथन, तो आपकी वैल्यू ही अलग हो जाती है।
ये वो वाली बात है कि वैसे आप 2 लाख लोगों में आपकी एक गिग है, वैसे फिर आपके 20,000 लोगों में एक गिग है, सही है। फिर आप और उसको फिल्टर आउट करते हो कि मैं फ्लास्क के अंदर API बनाना सिखाऊंगा आपको, तो बना के दूंगा आपको, तो आप 2,000 लोगों में बन जाते हो। तो आपके चांसेस उतने बढ़ते चले जाते हैं जितनी ज्यादा आप चीजें सीखते जाते हो, सही है। लेकिन फिलहाल के लिए आपका ये काम होगा कि पाइथन आपको इंशाल्लाह दिखा देंगे। यार ये इंटर्नशिप पे आप डायरेक्ट चले जाए, फ्री में आपको रगड़ेंगे तो आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी सैलरी अच्छी होगी। वैसे रिएक्ट डेवलपर जो 1 साल का है ना, उसको अभी तक 60-70 सैलरी चल रही है। एक साल के एक्सपीरियंस के साथ जो रिएक्ट डेवलपर है ना, अगर आपके पास भले CS की डिग्री नहीं है, सही है, तो आपको 60-70 मिल रहे हैं। अभी मेरे अंडर एक एम्प्लॉई है, वो 60 उठा रहा है, सही है, और उसका आई थिंक 6 महीने का एक्सपीरियंस है, सही है, उसी की अपनी जो 12 से 6 तक, सुबह से 12 से 6 तक, तो उसकी अभी उसकी जो रिएक्ट है ना अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसको 6 महीने हुए हैं, तो उसकी जो लॉजिकल बिल्डिंग है, जो लॉजिक बिल्डिंग है जो आपको मैं एक मैंने असाइनमेंट दिया था, वो मैंने फील किया कि वो उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अभी रिसेंट बात है कि उसको एक मैंने एक प्रॉब्लम दी, उसको वो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हो रही थी, अब मैंने बोला तुम्हारा काम है, तो वो बंदा 3 दिन फंसा रहा, वो आखिरकार फिर उसने 4th दिन आके मुझे मैसेज किया कि सर हो गया, सही है, वो काम था वो 30 मिनट का, वो 30 मिनट के काम में उसने 3 दिन उठा लिए। तो लॉजिक बिल्डिंग, लेकिन फिर भी उसकी सैलरी देखें 60,000 रुपये, सही है, क्योंकि उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है, उसको रिएक्ट आती है, रिएक्ट के अलावा उसको कुछ भी नहीं आता, उसको एक्सप्रेस भी नहीं आती, नोट भी नहीं आता। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत कंपनीज के पास जाना पड़ता है, आपको पता होता है कि ये मेरे से कमा रहे हैं लेकिन मेरे को कुछ नहीं दे रहे, थोड़ा सा ये दिल में ना ख्याल आता है 1 महीने के बाद, लेकिन तब आपको वाकई कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन जो सीनियर होता है वो बोलता है हाँ बेटा कर लो काम कर लो, फिर जब लेकिन आपको 6 महीने हो जाते हैं, आपको फील होने लगे कि अब आप काम खुद हैंडल कर सकते हो, तो आप कंपनीज में इंटरव्यू देना शुरू कर दो, आप बोलो कि मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ, सही है, सिर्फ रिएक्ट डेवलपर, रिएक्ट बूटस्ट्रैप CSS HTML CSS, बाकी आप बोलो मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे सिर्फ रिएक्ट आती है, तो भी आपकी वर्थ 60-70,000 की है अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, आपको पता है कि आपको बैकएंड लिखना आती है, आप कंपनी वाले को कह सकते हैं कि बैकएंड भी मैं लिखूंगा, रिएक्ट भी मैं बनाऊंगा, डिप्लॉय भी मैं करके दूंगा, तो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपकी 80-90 सैलरी पहुंच जाती है। और अगर आपके पास दो साल हो जाते हैं तो आपके पास 1 लाख से आपकी सैलरी क्रॉस कर जाती है। तो ये जो आप काम सीख रहे हैं ना, कुछ आप देख सुन रहे होंगे कुछ कोर्सेज दूसरे भी हैं, आप उसमें कैनवा सीखते हैं, ग्राफिक्स का काम सीखते हैं, आपको 2 महीने में 5,000 रुपये 2,000 रुपये आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो काम है ये लॉन्ग टर्म काम है, सही है, ये आपको पूरा कैरियर है। आप सोचेंगे कंप्यूटर साइंस वाले 4-4 साल डिग्रियां पढ़ के यहाँ पे आते हैं, सही है, अगर आप 1 साल के अंदर और 6 महीने के एक्सपीरियंस के साथ जाके आप अपनी किसी कंपनी में सेटल हो रहे हैं, तो आप अपनी पूरी लाइफ के लिए वहां जा रहे हैं, आपका पूरा लाइफ लॉन्ग कैरियर है, सही है। तो अब एक पूरा लाइफ लॉन्ग कैरियर जाने के लिए अब आपने 16 साल एजुकेशन दूसरी उठाई है, उसमें से अभी तक आपको खास फायदा नहीं हुआ, तो आप कम से कम इसको 6 महीने से 1 साल तो दें, क्योंकि ये आपको यकीन है आगे ले जाएगा। और ये एक ऐसी फील्ड है कि आप यूरोप जाएं, आप US जाएं, कनाडा जाएं, आप उनको बोलें भाई ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मुझे बनाना आता है। दूसरी फील्ड में क्या मसला होता है, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है, क्या तुम्हारे पास यहाँ की डिग्री है, क्या तुम्हारे पास ये है, क्या तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेशन है, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वो कहेगा भाई वेबसाइट बनाई है, हाँ बनाई है, दिखाओ, आप वो खोल के दिखा दो भाई ये मेरी वेबसाइट है, वो देखेगा कि भाई हाँ इसको काम आता है, ये मेरा काम कर लेगा, उसको ना सर्टिफिकेट चाहिए ना उसको डिग्री चाहिए, क्योंकि आप उसका काम जानते हो बस। बहुत सारे लड़के हैं जो फ्रीलांसिंग पहले करते थे, अब दूसरी दूसरी कंट्रीज में बैठे हुए हैं, सही है, इवन मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थक गया हूँ मैं, अब तो बाहर की सैलरीज बहुत ज्यादा है। तो आपके ये स्टेजेस होती हैं कि शुरू शुरू में आपको फील होता है यार मैं 1 साल हो गया 2 साल हो गया कुछ भी नहीं हो रहा, फिर उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग शुरू होती है, फिर मजा आना शुरू होता है, 500 रुपये आ गए, फिर 500 से 2,000 होते हैं, फिर 2,000 से 20,000 होते हैं, फिर आप बोलते हैं यार किसी कंपनी में भी जाएंगे स्टेबल इनकम हो, फिर आपको 60,000 मिलते हैं, फिर 1,20,000 मिलते हैं, फिर आप बोलते हैं अभी भी मजा नहीं आ रहा, फिर आप बाहर जाते हो, फिर आपको 4 लाख रुपये मिलते हैं, फिर आप बोलते हो नहीं यार और ज्यादा चाहिए, फिर आप कोई कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हो, फिर आप 10 लाख रुपये कमा रहे होते हो। तो ये आपको पूरा एक कैरियर है, एक पाथ है, सही है, शॉर्टकट नहीं है, और ये शॉर्टकट नहीं है इसी वजह से ये सस्टेनेबल है, आपको ज्यादा टाइम टिका रहेगा, क्रिप्टो की तरह नहीं है कि आज आया कल नीचे, सही है। तो लाइफ लॉन्ग एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम तो लगाना पड़ता है।
सही है, तो इंशाल्लाह हमारा टाइम अप हो चुका है, हमारे भाई अटेंडेंस के लिए वेट कर रहे हैं, तो इसको अटेंडेंस दें और कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।